ये अभी कल परसों जहाँ पर रास्ता टूटा था उदी से नीचे शक्ति के पास में, यहाँ पर देख सकते हो शक्ति में रास्ता बंद है और सफाई चल रही है। हम लोग यहाँ पर पैदल आए हैं, ये देखिए गांव वाले सब पैदल जा रहे हैं नीचे को भी, यहाँ पर भी ये देखिए सब यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं अपना अपना सामान लेकर। ये थकती से नीचे यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी में जगह भी नहीं हो रही है और ऊपर से देखो कैसे आ रहे हैं और ऊपर भी रोड ब्लॉक है, वहाँ से नीचे उतरे कोई यहाँ से आया लंबा कोई ऐसा आया देखो। और ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे उतर के आए यहाँ पर, देखो इनके मम्मी लोग कैसे लेके आए इनको, हमारे छोटे भाई बहन और भतीजे लोग हैं ये लोग। और ये देखिए ऊपर सामान लेने गए इनके मम्मी लोग, सेंची हमारी सेंची। और हम लोग दूसरा राउंड आए ऊपर सामान लेने के लिए और पीछे देखो सकती वो पूरा बंद है वो। और ये देखो कैसे जा रहे हैं यहाँ पर, आ रहे हमारे तेते लोग देखो। और बाकी तीन ही गाड़ी आज यहाँ पर, अब जगह मिलती नहीं मिलती देखते। तो दोस्तों हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में सीट मिली और देखो सीट भी कैसी, देखो पांच जने हम लोग छत पे ही है और आगे का रास्ता, कितना सामान है हमारे पास देखो गाड़ी में, मजबूरन हमें ऐसा जाना पड़ा आज। अभी सुनने में आ रहा है कि तौगढ़ में भी रास्ता बंद है तो वहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा, फिर से पल्टी करके जैसे भी पीछे से आए थे इनका रास्ता बना है। दोस्तों अभी हम रुके हैं छंकन में और यहाँ पर देखो एक गाड़ी आ गई है पीछे से, तो इसमें हमारे जो बहनें हैं चाची लोग हैं बुआ लोग इसमें बैठेंगे इस गाड़ी से उतर के, तो ये गाड़ी अब थोड़ी हल्की हो जाएगी। और अभी भाई पानी भर रहा है, पानी यानी पीते पाइप खींच बाहर पाइप से भर, हाँ हाँ इससे भर, हाँ ये है पीने वाला पानी। दोस्तों अभी भी हम लोग छत पे है और देख सकते हो पीछे कितना खतरनाक रास्ता है और अभी इतना झरने में हम लोग भीग गए क्योंकि एक छोटे का भी उतर रहे हैं, तो हम चले गए देखो ये हमारी दुनिया की भीग गई है। ये देखो अभी हम पहुंच गए आदर रस्ते में और ये है नेपाल का बहुत ही फेमस झरना, अब इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इसकी बहुत सारी दंत कहानियाँ सुनी है मैंने, ऐसे यही होगा उसको देखो अंदर गुफा जैसा इसके अंदर। ये है लखनपुर और हम पहुंच चुके लखनपुर के पुराने रास्ते पर और यहाँ से जुड़ी कुछ यादें और यहाँ से जुड़ी कुछ यादें लखनपुर की हमारे हनुया बताएंगे, बताओ हनुया। यहाँ से पुराना रास्ता है 3000 कुछ सीढ़ियाँ ऊपर, 4000 से चौवालीस, हाँ बिंदाकुटी पहुँचता बिंदाकुटी। देखो दोस्तों ये है शियार, अभी रास्ते पे मिला कुत्ता जैसा लग रहा, कुत्ता नहीं शियार है। एक और आ गया है खतरनाक पहाड़ दोस्तों, दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पांगला, देखो उतर गए हम लोग, काफ़ी हालत ख़राब थी और यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ ये देखिए अभी यहाँ पर रुकेंगी हमारे चाचा लोग बुआ लोग और यहाँ पर चाय पानी पियेंगे हम लोग, यहाँ पर सब लोग उतर रहे हैं और अब हम पांगला से निकल चुके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है पांगला का, बेहद सुंदर पूरा रात का मैदान। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अब तौगढ़ से काफ़ी आगे, ये देखो
यहाँ पर काफी हमारे गांव वाले रुके हुए हैं और आगे भी ये देख सकते हो हमारे भाई लोग हैं, बुआ लोग हैं, चाची लोग हैं और ये भाई, ये छोटा भाई, हम लोग सब यहाँ पर रुके हुए हैं। और कल जहाँ पर पूरा स्लाइड हुआ था ये देखो, तो घाट के आगे वाली जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर भी रोड खुल रही है तो खुलने की संभावना है। ये पीछे साइड को तो बंद है जहाँ से हमने शिफ्ट किया था सामान, पल्टी मारी थी, लेकिन यहाँ पर बोल रहे कि खुल सकता है, लेकिन भरोसा नहीं है। ऊपर से भी देखो वो आने जैसा लग रहा, और तो क्या पता टेम्परेरी खुल जाए, अभी नहीं खुलेगा तो फिर हमें पैदल ही जाना पड़ेगा उस तरफ सामान लेके। ये देखिए उस तरफ भी काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई है। ये देखो दोस्तों यहाँ पर पूरा हमारे गांव वाले भरे पड़े हैं इस तरफ देखिए। रोड खुलने वाला है बोले। ये देखो यहाँ पर पूरे गांव वाले भरे हुए हैं, और आगे देखो जहाँ स्लाइड हुआ था कल परसों वहाँ पर रास्ता भी खोल रहे हैं। ये देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं खोलने की, शायद खुल जाए रात तक। तो दोस्तों अभी हो चुका काफ़ी अंधेरा, आप देख सकते हो हम लोग अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, और आगे रोड वैसे खुल चुका है लेकिन अभी वहाँ पर मिट्टी की भराई चल रही है क्योंकि ऊबड़ खाबड़ हो गया काफ़ी ज़्यादा। ये देखो अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता खाने के लिए तैयार हुए हैं, और सुबह लेके आए थे ना सुबह से, अभी रात को खाने का टाइम हो रहा है। देखो हम लोग अभी शंची का खाना, हमने नाश्ता खा दिया यहाँ पर, और अभी यहाँ पर गाड़ी रोड खुल सकती है, और बारिश भी आ गई है, और बारिश में काफ़ी ख़तरा है, तो जल्द से जल्द अगर पार हो जाए बारिश तेज आने से पहले तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। ये देखिए रास्ता खुल चुका है लेकिन इसमें मिट्टी की भराई चल रही है, और ऊपर से भी आने का और ख़तरा है थोड़ा। ये देखो हमारी शंची ने ककड़ी काट दी अभी, और रात को ककड़ी खाने का मौका भी। ये देखो मिर्चा खत्म हो गया, पराठा भी आ गया दोस्तों। गाड़ी को गाड़ी के बोनट में रख के खा रहे हो, बारिश आ रही है। अब खाना खाने के बाद हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन, ये देखो हमारी चाची लोग, और ये हमारी प्यारी सी हिट्टी बहन, और ये छोटा सा भाई हमारा, ये देखो फिर, और वो भी है छोटा सा भतीजा हमारा देखो, और हमारे चाची लोग अब घर जाने के लिए उत्सुक हो रहे बहुत ज़्यादा देखो। और आगे देखो रास्ता कैसा है, बिल्कुल बंद हो रखा, बीबी खुला नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो खुल जाएगा अभी उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। और इस तरफ भी आप लोग देख सकते हो यहाँ हमारे मामा जी लोग, हमारे मामी लोग सब फंसे हुए हैं, देखो बहुत परेशान हैं। और इस तरफ हमारे चाचा लोग देखो, यहाँ पर शंका लोग और मामा जी लोग और शंची लोग, फूफू लोग देखो सब परेशान हैं, सोच रहे कि कब ये रोड खुलेगी, और अब खुलने ही वाले बोल रहे, कब काफ़ी देर से बोल रहे हैं कि खुलने ही वाली है लेकिन अभी तक खुली नहीं है, खुल जाए तो अच्छा है फिर हम लोग भी टाइम पे घर पहुंच जाएंगे। और अब दोस्तों रास्ता खुल चुका है, यहाँ पर पीछे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, हमारी गाड़ी भी नंबर पर लगी हुई है यहाँ पर, और आगे देख सकते हो आप, मैं थोड़ा चढ़ना पड़ेगा उसके लिए मुझे। ये देखिए इस तरफ काफ़ी भीड़ है गाड़ियों की, और आगे पता नहीं अभी भी जाने, एक गाड़ी गई गई, आप देख सकते हो एक गाड़ी हमारी गई यहाँ से, ये देखिए पहली गाड़ी गई है, दूसरी जा रही है, देखिए हाँ। तो अभी देखो पहली गाड़ी हमारी, आप देख सकते हो ये देखिए ये जा रही और ये निकल गई है, चलो बढ़िया है फिर अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। अब हम पहुँच चुके हैं धारचूला दोस्तों, ये देखो हमारा प्यारा धारचूला, और ये देखो हमारे
साथ के गाड़ी वाले और बाकी पीछे ही है सबके सब गाड़ी वाले।